अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीबुल्ला ख़ान रॉयल आर्म्स कंपनी से। आज हम आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पिस्टल लाए हैं जो कि मार्केट में काफ़ी इंगेजमेंट चल रही है इसके बारे में कि भाई 19x 19x। तो आइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको अपनी प्रोडक्शन करके ग्लॉक 19x इंट्रोड्यूस किया है आज। माशाल्लाह इसकी आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, इस पर कोई तकरीबन 200 राउंड्स भी टेस्ट किए हैं। यहाँ से लाजमी बात है आपको पता लग रहा होगा। खैर, ये माशाल्लाह बहुत ही हमने अच्छी क्वालिटी बनाई है और इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह हर एंगल से। और ये मटेरियल के बारे में भी बताऊंगा, इसके कुछ फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। फ़िलहाल इसकी ख़ूबसूरती के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आप चेक कर सकते हैं, इसके साथ एक टॉर्च प्लस लेज़र मिल रहा है और माशाल्लाह इसकी ख़ूबसूरती भी बॉडी इसके साथ अच्छी हो जाती है। और इसके ये स्पेशली रात को यूज़ होता है, टॉर्च और लेज़र भी रात को यूज़ होते हैं, मगर दिन को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने टारगेट हिट करके, बड़ी इजी हो जाती है। वरना तो आप अपने साइड से भी इसको कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये आपको दिखाया जाएगा कि इसकी 17 शॉट का मैग होता है और एक इसके साथ 19 शॉट का मैग आता है। यहाँ पर इसकी ग्रिप लगी होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा। और इसकी ख़ूबसूरती उसके साथ भी बड़ी अच्छी होती है। आप मैगज़ीन की फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, सेम इंग्लिश की तरह आपको बाकायदा इंडिकेटर्स भी देगा कि कितने राउंड्स आपके फिल हो चुके हैं, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये हमारी ग्लॉक 19x। अच्छा, ये आपको मैं दिखाऊँ कि माशाल्लाह इसकी जो बोल्ट रिलीज़र होता है ये 19x का डबल साइड होता है, यानी कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखा नहीं सकता क्योंकि एक ही हाथ है मेरा। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से मतलब इस उंगली से नहीं, ये लेफ़्ट हैंड वाले के लिए होता है। ये आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, मैंने बोल्ट रिलीज़ का भी बताया। और वेपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खाली है, मैगज़ीन इसकी बायर है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसको हम फिर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सेफ्टी बहुत ही लाजमी होती है। तो इसमें एक छोटा सा लॉक इधर भी लगा होता है, जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं, जब तक ये प्रेस नहीं होगा तो ये पीछे नहीं जाएगा। ये जैसे आप देख रहे हैं मैं दबा रहा हूँ, ये पीछे नहीं जा रहा। जब आप इसको एम यानी कि ये सेफ्टी को पुश करेंगे तो ये रेडी टू फायर हो जाएगा माशाल्लाह। इसकी स्लाइड के बारे में अगर आते हैं तो ये है 4150 ग्रेड। 4150 ग्रेड मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये इम्पोर्टेड मटीरियल है। इसकी हार्डनेस, इसकी मटेरियल जी इतनी अच्छी होती है कि ये यानी कि 10 से 15 हज़ार राउंड्स की बर्दाश्त रखता है। उसके बाद भी ये आगे फर्दर चल सकता है मगर ये अपने लिमिट पूरा कर जाता है। जैसे कि इसकी बैरल के बारे में आते हैं, तो इसकी बैरल जो है ये है 4150 ग्रेड माशाल्लाह, फुल इंटरचेंज वेपन 4150 ग्रेड माशाल्लाह। इसकी यानी कि लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ये वाहिद ये मटीरियल है जो अमेरिकन नेटो फोर्सेज ने यूज़ किया है अपनी M4 कार्बाइन में। तो माशाल्लाह हमें मौका मिला तो हमने कहा कि हम हर वेपन में यूज़ करें, क्योंकि हमारी अपनी मुल्क में अगर हम एक अच्छी क्वालिटी किसी भी वेपन में यूज़ करेंगे और परफॉर्मेंस अच्छी लोगों को देगी तो माशाल्लाह उसको मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलें इसके पॉलीमर के बारे में बताते हैं। इसके पॉलीमर ये तैनोर है, तैनोर एक मटीरियल होता है, ये तैनोर का मटीरियल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर से इंपोर्ट किया गया और मॉडलिंग इसकी हमारी पाकिस्तान में अपने मुल्क में हुई है। बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रिलायबिलिटी होती है इस गन की, यानी कि इसके अपने पॉलीमर। ये आप इसकी ख़ूबसूरती चेक कर सकते हैं और आप इसके साथ इंग्लिश भी रख सकते हैं, कंपेयर परफॉर्मेंस वाइज क्वालिटी वाइज कर सकते हैं माशाल्लाह। इंजॉय कीजिएगा जी, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, इंशाल्लाह इसी तरह मज़े की वीडियोज़ आती रहेंगी। अस्सलामुअलैकुम।